ज्यादातर मेन बच्चों का डाउट रहता है कि ये सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से सिलेक्ट होते हैं। तो आप एक बार स्टार्टिंग से लेके कि कॉलेज से किस तरीके से सिलेक्शन हुआ, फिर बटालियन ग्रुप या जो भी था, आप दिल्ली कैसे पहुंचे, एक बार उस जर्नी को आप बता देते तो अच्छा रहता देखने वालों के लिए। वो यही बात बता रहा हूँ। आपका जो फर्स्ट जो सिलेक्शन होता है वो मेनली आपका कॉलेज से होता है आपकी यूनिट के लिए, और जो डायरेक्टेड होता है, डायरेक्टेड में जो ग्रुप होता है, ग्रुप में सीमित सीटें होती है कि भाई उसके साथ सीएटीसी कैंप भी चलते हैं और प्री आरडी कैंप भी चलते हैं। तो प्री आरडी कैंपों में एक यूनिट की जो फिक्स सीटें होती है, भाई इतने बंदे आप अपनी यूनिट से भेजो प्री आरडी के लिए, आरडीसी के लिए, ताकि हम उनमें से आरडीसी के लिए बंदे या एसडी या एसडब्ल्यू निकाल सके, अच्छे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कर सके। इसलिए आपका स्टार्टिंग से आपका यूनिट से सिलेक्शन होता है ग्रुप के लिए। फिर और जो आपके डायरेक्टेड में एक कैंप होता है जो मेनली कैंप होता है, उसे बोलते हैं आईजीसी, इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन। वो मेनली इसीलिए कराया जाता है कि आपका जो सेम प्रोसेस उस ग्रुप में, वही सेम प्रोसेस रहता है जो दिल्ली में रहता है, वही लाइन एरिया कॉम्पिटिशन, फ्लैग एरिया कॉम्पिटिशन, राजपथ कॉम्पिटिशन, गार्ड ऑफ ऑनर कॉम्पिटिशन और पीएम रैली, सेम वही प्रोसेस रहता है। इसीलिए एक अपने डायरेक्टेड लेवल पे एक कैंप कराया जाता है आईजीसी, इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन बोलते हैं, मेनली वो करा दिया जाता है। फिर उसके बाद आपके आईजीसी के बाद 3 कैंप और होते हैं, वैसे तो हर डायरेक्टेड के अलग अलग होते हैं, बट मैं राजस्थान डायरेक्टेड ही बता रहा हूँ। उसके बाद 3 कैंप होते हैं, फिर आप फाइनली आपका सिलेक्शन होता है, फिर आप 29 दिसंबर या 30 दिसंबर को आप अपने डायरेक्टेड से रवाना होते हैं दिल्ली के लिए, और 21 जनवरी को आप, 21 दिसंबर को आप पहुंच जाते हैं दिल्ली। तो अभी तक बेसिकली हमने बात क्या की है, आरडीसी के सिलेक्शन की बात की। पहले आपको कॉलेज भेजेगा आपकी बटालियन में सिलेक्टेड बिल्कुल बच्चों को, फिर बटालियन बिल्कुल के बाद में आगे ग्रुप में भेजे जाएंगे, ठीक ग्रुप में भेज है, जाएंगे। इसी तरीके होंगे। फिर क्या होता है, फिर जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं बाद में उनके आईजीसी कैंप होते हैं, जिनको इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन कहते हैं या इंटर ग्रुप कैंप कहते हैं। वहां पे वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे दिल्ली के अंदर होता है, आरडीसी में लाइन एरिया वगैरह और वे सारी की सारी चीजें, ताकि बच्चे यूज टू हो जाए उन चीजों की, ठीक है। बाद में और भी कैंप्स होते हैं और फिर फाइनली उनको भेजा जाता है 29-30 दिसंबर के आसपास, फिर वहां पे हम दिल्ली पहुंचते हैं, ठीक है। और फिर हमारा कैंप स्टार्ट होता है वहां पे 3-4 तारीख से, गार्ड ऑफ ऑनर के सिलेक्शन स्टार्ट होते हैं और फिर बाद में राजपथ के लिए सिलेक्शन होते हैं। 1-2 दिन डेट वेरी कर जाती है, आगे पीछे हो जाता है।